पर चाईवासा मारवाड़ी सभा का चौथा स्थापना दिवस आज मनाया गया। इसी के साथ सभा की नई कार्यकारिणी ने अपनी जिम्मेदारी संभाल ली। समारोह के मौके पर सभा के संरक्षक अनुप कुमार सुल्तानिया व अनिल खिरवाल, अध्यक्ष पवन खिरवाल, महासचिव जयप्रकाश मुंदड़ा, उपाध्यक्ष राधेश्याम अग्रवाल, सिंध गोपाल अग्रवाल, ललित शर्मा व मधुसूदन अग्रवाल, सचिव दीपक शर्मा, सुनील दोदराजका, मुकेश मोदी व पंकज चिरानिया, कोषाध्यक्ष पूरन चंद चौधरी और कानूनी सलाहकार लक्ष्मी नारायण मुंदड़ा के अलावे कार्यकारिणी सदस्य उपस्थित रहे। समारोह को संबोधित करते हुए अनुप कुमार सुल्तानिया ने कहा कि लोकतंत्र में उसी समाज की पूछ होती है जो राजनीतिक रूप से जागरूक और संगठित हो, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि झारखंड और खासकर चाईवासा में मारवाड़ी समाज बहुत ही पिछड़ा हुआ है। राजनीति के क्षेत्र में सक्रिय समाज के लोगों को अपने ही समाज के ताकतवर लोगों के विरोध का सामना करना पड़ता है। चाईवासा मारवाड़ी सभा का उद्देश्य है कि हम समाज के जरूरतमंद लोगों को सहयोग करें। मारवाड़ी समाज के जो लोग हैं, हम लोग यहाँ पे गेट टुगेदर ऐसा कार्यक्रम रखें, हमारे बीच क्या समस्या है, हम आपस में एक दूसरे का कैसे सहयोग कर सकते, इस पे विचार विमर्श हो सकते। जब हम लोगों ने इसका गठन किया था, उस समय भी कुछ लोगों ने कहा कि चाईवासा में तो बहुत सा संस्था है, मारवाड़ी समाज का फलाना संस्था है, फलाना है, बहुत है, लेकिन आप पे जो मुसीबत आती है उसके लिए लड़ने के लिए संस्था नहीं है। चना बांटने के लिए है, शरबत बांटने के लिए है, सेवा पर कल्प है, लेकिन जब आपके यहां मुसीबत आती है तब कोई नहीं। और जो अप्रैल 15 में जो मुसीबत आई थी हमारे समाज के ऊपर, इतनी भयंकर मुसीबत थी कि हमारे समाज की बच्चियों पे हमला हो रहा था और समझ में नहीं आ रहा कि उनको हम कैसे बचाएं, लेकिन हम लोगों ने हिम्मत किया, सबको एक बैठे और बच्चियों को हमने अपना बचाया, उनकी बातें रखी, तब निर्णय हुआ कि ठीक है सेवा पर कब चलाओ भाई, सब कंबल भी बांटो, छाता भी बांटो, वो भी बांटो, ये उसका फायदा क्या है अगर हम अपने समाज के बच्चे और बच्चियों की रक्षा नहीं कर सकते। समाज का मतलब क्या होता है, जिसके पास पैसा बांटते चले बांटो, लेकिन अगर हमारे पास मुसीबत है तो खड़ा कौन होगा 10 दिन। हर बार देखा गया कि कोई नहीं खड़ा होता, यहां सब बैठे, सब जानते इस बात को कि कोई संस्था नहीं है जो आपके घर में अगर कोई पारिवारिक समस्या हो, नहीं हम जगह तो सब काम नहीं है, ये देखने को मिला। तो उस संस्था का क्या उचित है, कोई मतलब नहीं होती संस्था, आप काम कीजिए, एक एजेंसी के रूप में काम कीजिए। समाज है, आज हम लोग 550 परिवार है, 3000-4000 हमारे लोग हैं, समस्या आएगी समाज की, तो समस्या आएगी तो उसका समाधान कौन करेगा, समाज के जो ताकतवर लोग हैं, जो पैसा वाला वह करेगा, समाधान करेगा, अगर दोनों पीछे भाग जाए तो समाज को नेतृत्व तो कौन देगा, तो दोनों ही हाथ उठा देना ही तो हम लोग काम नहीं है, तो आखिर में समाज किसके पास रोने जाएगा, गरीब आदमी कमजोर आदमी का अदालत कौन है, संस्थाएं हैं या बड़े आदमी हैं जिसके पास पैसा है, पावर है, जिसके टेलीफोन में ताकत है, अगर वो लोग बोले नहीं हम लोग तो इस झमेले में नहीं पड़ेंगे। एक चुनौती है सबसे बड़ी, उस समय भी हमने कहा था समाज है तो समस्या आएंगी, और समस्या आएंगी तो हम लोग को लड़ना पड़ेगा, और जो भागेगा उस आदमी की कोई कीमत नहीं है समाज में, आप अपना राग अलापते रहिए। आज किसी बच्ची से हो रहा है, मेरी भी बेटी है, मेरी भी भतीजी है, मेरा भी भतीजा है, उसको संरक्षण प्रोटेक्शन कौन देगा, हम देंगे। अगर आज हम लोग इस मुकाम में भी अपने बच्चे बच्चियों को नहीं बचा सकते हैं तो फिर हम लोग के पास पैसा क्या काम दे रहा है, हम ये छप्पा लगा के बेच ला के बड़ा आदमी बन रहे, इसकी कीमत क्या है। तो बहुत सक्रिय है चाईवासा, हर जगह मारवाड़ी समाज सक्रिय, हर काम करता, कोई विरोध नहीं, उससे आप करो,
लेकिन आप सोचिए हर कोई तो ललित शर्मा सुनता नहीं। हमारे में भी एक तबका है, बहुत गरीब तबका है, बहुत सी समस्या आती है। कभी दहेज की समस्या आ गई, कभी बिया बीवी का झगड़ा का समस्या आ गया, कभी कुछ समस्या आ गया, तो कहां जाए दरवाजा खटखटाने। हम लोग के पास है किसी को इलाज का समस्या आ गया, आज तो आपको पैसा भी नहीं देना है, खाली उसको लाइन अप करके आयुष्मान भारत से ट्रीटमेंट करवा देना है, लेकिन आपको अपना आगे बढ़ना पड़ेगा। यह कमजोरी थी शहर में और आज भी है कमजोरी। हम नहीं चाहते कि एक समझ आर्थिक रूप से समझ समाज, सामाजिक रूप से समझ समाज, सबके लिए करने वाला समाज, सबका दरवाजा हमारे लिए हमारा का खुला हुआ, दिल भी खुला हुआ है। हमारे लोग पीड़ित हैं, दर दर की भटके, ये बर्दाश्त नहीं होगा। अगर कोई को ये सहन करने की ताकत है तो उसको फिर अपना मारवाड़ी कहलाने का हक नहीं। मारवाड़ी सभा के नए अध्यक्ष पवन खिरवाल ने कहा कि समाज है तो समस्याएं भी आएंगी, इससे पीड़ित व्यक्ति या परिवार सहायता की आस से समस्त व्यक्ति अथवा किसी सामाजिक संगठन की ओर देखता है। यदि दोनों ही सहायता करने में अपने को असमर्थ सिद्ध कर दे तो फिर समाज में एकजुटता कैसी रहेगी? किसी न किसी को आगे बढ़कर अपने सामाजिक दायित्व को संभालना ही पड़ेगा। इसी उद्देश्य से 4 साल पहले चैमासा मारवाड़ी सभा का गठन किया गया था। जरूरतमंद परिवारों की सहायता का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। आज से 4 वर्ष पूर्व 19 अप्रैल 2015 को विकट परिस्थिति में चैमासा मारवाड़ी सभा गठन किया गया था। इसके गठन के समय भी समाज के कुछ बंधुओं ने इसके गठन पर प्रश्न खड़े किए थे। उनका तर्क था कि मारवाड़ी समाज में कई संस्थाएं कार्यरत हैं, इसलिए इस संस्था की क्या जरूरत पड़ी, ऐसे में एक नई संस्था की औचित्य क्या है। इस समय भी हमारा जवाब था कि समाज के व्यक्ति अथवा परिवार पर अचानक जब कोई मुसीबत आती है तो सभी कार्यरत संस्थाएं अपने हाथ खड़ी कर देती है। साथियों, समाज है तो समस्याएं भी आएंगी और इससे पीड़ित व्यक्ति या परिवार सहायता की आस में समाज के समर्थ व्यक्तियों अथवा किसी सामाजिक संगठन की ओर ही देखता है। यदि दोनों ही समस्या सहायता करने में अपने को असमर्थ सिद्ध कर दे और फिर समाज में एकजुटता कैसे रहेगी? किसी न किसी को तो आगे बढ़कर अपने सामाजिक दायित्वों को संभालना ही पड़ेगा। इसी उद्देश्य के साथ 4 वर्ष पूर्व चैमासा मारवाड़ी सभा का गठन किया गया था और इस मंच से मुझे यह कहते हुए गर्व हो रहा है कि विगत 4 वर्षों के दौरान चैमासा मारवाड़ी सभा ने अपने समाज के जरूरतमंदों का हर तरह की सहायता और सहयोग करने में अहम भूमिका निभाई है। आज मैं इस मंच से आश्वस्त देता हूँ कि चैमासा ही नहीं वरन पूरे जिले के मारवाड़ी समाज के व्यक्ति या परिवार को किसी भी तरह की सहयोग की आवश्यकता पड़ेगी तो हमारा ये समाज उनकी सेवा में तत्पर रहेगा। सिंहभूम संसदीय क्षेत्र में महागठबंधन के घटक दल कांग्रेस और झामुमो के बीच सब कुछ ठीक नहीं नजर आ रहा है। महागठबंधन के मुख्य घटक दल झामुमो के विधायकों की नाराजगी अब भी जारी है। झामुमो ने साझा घोषणा पत्र जारी करने की मांग को लेकर पहले तो महागठबंधन के समन्वय समिति की बैठक से नदारद रहे और आज देर शाम तक महागठबंधन की साझा प्रत्याशी गीता कोड़ा के नामांकन कार्यक्रम का आमंत्रण नहीं मिलने से झामुमो के विधायक और नेताओं में भारी नाराजगी देखी गयी। हालात अब ऐसे बने हैं कि गीता कोड़ा के नामांकन प्रक्रिया में झामुमो के शामिल नहीं होने की भी स्थिति बन गई है। गौरतलब है कि महागठबंधन की साझा प्रत्याशी गीता कोड़ा कल कांग्रेस के टिकट से चैमासा में सिंहभूम लोकसभा प्रत्याशी के रूप में नामांकन पर्चा दाखिल करने वाली हैं। इस कार्यक्रम से पहले एक सभा का भी आयोजन होना है। उतनी उपेक्षा और सिंहभूम लोकसभा स्तर पर एक साझा घोषणा पत्र की मांग को लेकर आज चैमासा से दूर सुदूर गांव में झामुमो के विधायकों ने कार्यकर्ताओं के साथ गुप्त बैठक की, जिसमें सभी विधायक नेता और कार्यकर्ता इस बात पर सहमत हुए कि कांग्रेस जब तक झामुमो के स्थानीय मुद्दे को साझा घोषणा पत्र में शामिल नहीं करती है तब तक कांग्रेस के साथ समर्थन पर विचार करेंगे। हम लोग जीत रहे हैं, अब काउंटिंग होगा उसके बाद ही आप लोग को पता भी चल जाएगा। हम लोग का कार्यक्रम उससे पहले हम लोग का कार्यक्रम तय हो गया था और हम लोग ने मैंने कार्यक्रम का हम लोग यह भी ले चुके थे, मैंने समय भी या डेट भी हम लोग ले चुके थे, हम लोग आदेश भी हुआ था और ये लोग अचानक बना दिया, हम लोग को तो जानकारी नहीं था, इसलिए कल हम लोग आ नहीं पाए।
आज हम मानिए हम लोग 5 विधायक है, अगर हमारे इलाका में प्रत्याशी जा रही है तो उनको कम से कम हम लोग को सूचना भी देना चाहिए और हमारा कार्यकर्ता को भी सूचना मिलना चाहिए, ताकि उसको हमारा हम लोग को अगर सूचना मिला होता तो हम लोग गाँव में हमारा कार्यकर्ता को बोल देते भाई देखिए हमारे माननीय ज्यादा प्रत्याशी आ रही है, उसको थोड़ा आप लोग एरिया बढ़िया से ज़्यादा लोग उससे आप लोग मिलिए और आप लोग भी सवाल जवाब कीजिए और वो क्या बोलती है और वो भी क्या बोलती है वो भी आप लोग सुनिए, इस तरह का बात हो सकता था लेकिन हम लोग की जानकारी ये नहीं हो रहा है। इन लोग पता नहीं कैसे इन लोग अपना मर्जी से कैसे कर रहा है ये तो हम लोग नहीं बोल पाएंगे, लेकिन हम लोग जीत रहे हैं और हम लोग जीता के ही छोड़ेंगे। हमारा साझा प्रत्याशी को माननीय निकिता कोड़ा जी को पूछ नहीं रही है, लेकिन आज हम महागठबंधन का हम सिपाही है और उसका पालन तो हमको करना ही है, और वो अगर वो ना सोच रहे लेकिन हम लोग के विचार में है, क्योंकि आज इस राज्य में या इस देश में जो भाजपा ने जो घोषणा किया था या मैंने उसने प्रधानमंत्री ने बनने से पहले जो लोगों को मैंने आदेश किया था या उन लोग को बताया गया था कि भाई अच्छा दिन आएगा और काला धन का भी बात किया लाएंगे और 15-15 लाख की भी बात हुई और इस देश में प्रत्येक साल 2 करोड़ बेरोजगार लड़का लोग को नौकरी देंगे ये भी बात है और गरीबी को हटा देंगे और दूसरी बात है कि किसान को मरने नहीं देंगे और भ्रष्टाचार को हम पूरा खत्म कर देंगे, लेकिन कहीं नहीं दिख रहा है, इसीलिए उसको हराना बहुत जरूरी हो गया। चुनाव को परिणाम में बदलना है, इसलिए कार्यकर्ताओं को हम लोग देख रहे हैं कि बहुत मुस्तैदी के साथ बूथ का निगरानी हो और जो आदेश है जिस तरीके का तालमेल है उसको पूरा किया जाए। देखिए हम लोग तो इस राज्य को बहुत लड़ कर के लिए हैं, बहुत सारा यातनाएं हुई है, बहुत तरह का टॉर्चर हुआ, बहुत लोग को हम लोग खोए हैं इस राज्य को पाने के लिए, इसलिए बीजेपी को हराने के लिए कुछ तकलीफें तो जरूर आएंगी, परेशानियाँ होंगी, लेकिन हम लोग कामयाब हैं, विश्वास है कार्यकर्ताओं का जो उत्साह है और उनकी जो भावना है उसको देखते हुए हम लोग विश्वास के साथ कह सकते हैं कि 12 तारीख को हम लोग गोल कर देंगे। हम गठबंधन का मतलब तो कांग्रेस भी है ना, तो हम लोग सभी लोग टीम में शामिल है, गोल पोस्ट में हम लोग स्ट्राइकर लोग खड़ा है, जहाँ बॉल मिला तो रुक जाएगा। हम लोग जीत रहे हैं बस इतना जानते हैं, कार्यकर्ता लोग का उत्साह आप लोग देख लिए, हम लोग बोल दिए हैं कि आखिरी वक्त तक जो है ना लड़ना है, जीत रहे हैं हम लोग, गीता मैडम जीतेगी चुनाव, देखिए आप लोग। झामुमो नेताओं का कहना है कि कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है और झामुमो एक क्षेत्रीय पार्टी है, उन्हें भी जनता के बीच जाकर जवाब देना है। क्षेत्र की CNT, SPT एक्ट, स्थानीय नीति, वन पट्टा, ईचा डैम जैसे कई स्थानीय ज्वलंत मुद्दे हैं जिसे जनता के बीच रखना जरूरी है। देखिए आज का जो बैठक था ये चाईबासा विधानसभा स्तरीय बैठक था और विशेष करके आज का बैठक हम लोग राज्य की वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति और देश की जो राजनीति है उसको देखते हुए हम लोग एक मकसद लेके चल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को देश और राज्य की सत्ता से बाहर करना है और इसके लिए राज्य में झारखंड मुक्ति मोर्चा जो विपक्षी दलों का गठबंधन है महागठबंधन में शामिल है और राज्य में और न सिर्फ राज्य में हमारे इस कोल्हान की भी बात करें तो यहाँ पर झारखंड मुक्ति मोर्चा महागठबंधन दलों के बीच सबसे बड़े दल के रूप में है और निश्चित रूप से हम लोगों का उद्देश्य इस लोकसभा चुनाव में महागठबंधन के उम्मीदवारों को जिता करके भारतीय जनता पार्टी को बाहर करना, भारतीय जनता पार्टी को रोकना, उसको हराना, ये हम लोग का उद्देश्य है। इसके लिए हम लोग सभी कार्यकर्ताओं को हम लोग एकजुट हो करके सभी मतलब पूरी ताकत से हम लोग इस चुनाव में कार्यकर्ताओं की मतलब पूरी क्षमता को हम लोग लगाना चाहते हैं। आज का बैठक का हम लोग का मुख्य उद्देश्य यही था, झारखंड मुक्ति मोर्चा गठबंधन को जिताने के लिए हर कदम पर आगे रहना चाहता है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। अब बात है कि जहां सहयोग का बात होता है तो सहयोग दोनों ओर से होता है, यहां पर कुछ कांग्रेस पार्टी की ओर से समन्वय बनाने में तालमेल कायम करने में कहीं ना कहीं कुछ कमियां हैं और हम लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द इन कमियों को दूर किया जाए, तालमेल को ईमानदारी पूर्वक तालमेल को सही बनाया जाए, समन्वय को सही बनाया जाए और एक
बेहतर समन्वय और तालमेल कायम करके एक सिस्टम के तहत साझा अभियान के तहत कांग्रेस यहाँ चुनाव में उतरे, बस यही हम लोग का ये है। और समन्वय ठीक कर किए बिना इस चुनावी नैया को पार लगाना इतना आसान नहीं है। हर हाल में समन्वय को ठीक करना होगा, यही गठबंधन के सेहत के लिए यही जरूरी है। तो कांग्रेस से हम लोग यही डिमांड कर रहे हैं कि चुनाव संचालन को लेकर के जो चुनाव संचालन समिति का गठन किया गया है केंद्रीय स्तर पर, इसी तरह से विधानसभा स्तर पर भी और प्रखंड स्तर पर भी समन्वय समिति का गठन हो और जो भी चुनाव संचालन का काम हो उस समन्वय समिति के मार्गदर्शन दिशा निर्देश और उसके संचालन पर ही वो सारा कार्यक्रम चुनाव संचालन का काम चले। साथ ही जो हम लोग का एक ये भी डिमांड है, क्योंकि हम लोग क्षेत्रीय दल है और यहाँ पर क्षेत्रीय मुद्दे यहाँ पर काफ़ी प्रभावी है जो आम वोटर को गहराई तक प्रभावित करते हैं, तो हम लोग का मांग है कि एक साझा चुनावी घोषणा पत्र जारी किया जाए झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ में, इस पर बात करके विचार करके जिसमें स्थानीय मुद्दों को क्षेत्रीय मुद्दों को प्रमुखता के साथ में राष्ट्रीय मुद्दों के साथ साथ में उनको भी क्षेत्रीय मुद्दों को विशेष करके लेकर के एक साझा घोषणा पत्र जारी करके उसके साथ हम लोग जनता के बीच में जाए, ये हम लोग घोषणा पत्र बनाने के लिए भी ठीक है। महागठबंधन का अपना जो केंद्रीय स्तर का घोषणा पत्र अलग है, लेकिन इस जिला का इस संसदीय क्षेत्र का जो समस्या है ईचाकर का ही गेम का क्या होगा, वनाधिकार कानून के तहत जंगल में रहने वाले लोगों का क्या होगा, पैसा कानून का क्या होगा, पश्चिमी अनुसूची का क्या होगा, स्थानीय नीति के सवाल पर क्या होगा, इन सारे चीजों पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ राय मशवरा करना चाहिए। एक तो हम लोग क्षेत्रीय दल है, झारखंडियों का हम लोग नेतृत्व करते हैं और एक तरफ जो है पूरा राष्ट्रीय स्तर पर जो राजनीति करने वाले के साथ में गठबंधन है, तो क्षेत्रीय लेवल पर भी संसदीय क्षेत्र का मामला में उन समस्याओं के साथ भी जो है ये गठबंधन जरूरी है और उन समस्या को लेना भी जरूरी है। क्या हम लोग ईचाकर का ही बांध को छोड़ देंगे? क्या हम लोग जो है वनाधिकार कानून के तहत रहने वाले जो सरंदा जंगल में रहने वाले लोगों को ऐसी हम लोग छोड़ देंगे? तो इस जिला की इन समस्याओं को भी इस महागठबंधन में शामिल किया जा रहा है कि नहीं, इनको भी एक देखना चाहिए हम लोग को और इसके लिए भी बैठक होना चाहिए और एक बताना चाहिए। तो आज हम लोगों की मजबूरी का पैदा अगर एक उठा रहा है तो हम लोग एक मजबूती के साथ अपने को खड़ा होना पड़ेगा। ये हम लोग मजबूर नहीं बल्कि हम लोग मजबूत है और ये चीज को एहसास कराना पड़ेगा हम लोग। और एक चीज जो है महागठबंधन, एक तरफ महागठबंधन पूरा जो देश में चल रहा है या झारखंड में महागठबंधन के धर्म का पालन तो निश्चित रूप से करेंगे हम लोग, लेकिन एक मजबूती के साथ अपनी बातों को तो रखेंगे। हम लोग ये भी बता देंगे कि हम लोग झुकेंगे नहीं, बल्कि आपको यहाँ आकर के बताना होगा हमारे साथ में इन समस्याओं को भी अपने घोषणा पत्र में आपने जो भी चीजें चुनावी वादे में इन चीजों को शामिल करना पड़ेगा, ये बात के लिए जो है रखना पड़ेगा हम लोगों को। और ये कल नॉमिनेशन है, आज तक जो महागठबंधन के अंदर में झारखंड मुक्ति मोर्चा सबसे एक जो है बड़ी पार्टी है, 5 विधायक आपका इस जिला से रिलेटेड है और इसके बावजूद भी महागठबंधन का नॉमिनेशन करने वाले उम्मीदवार आज तक जो है किसी से राय नहीं लेना, ये काफी चिंतनीय विषय है। और ये संदेश स्वयं जो है यहाँ का उम्मीदवार गलत संदेश लोगों के बीच में भिजवा रहा है कि कई बात बोलता है कि विधायक लोग जो है मैनेज हो गए हैं, दोबारा हमको ब्लैकमेल किया जा रहा है, कहाँ से हम दें कैसे करें, ये चीज करके आम जनता को आम वोटर को दिग्भ्रमित किया जा रहा है और ये एक गलत संदेश जो है जा रहा है। ऐसे परिस्थिति में हम लोग कंडीशनली एक बात को भी उनके सामने रखेंगे और महागठबंधन के बारे में निश्चित रूप से पॉजिटिवली हम लोगों को विचार करना होगा और एक जो है वो अपनी बातों को रखते हुए इन पर जो है फैसला लेना चाहिए हम लोगों को, नहीं तो हम लोग जो है पूरी तरह से अपनी जो ताकत है हम
हम लोग के पास अगर विकल्प है तो उन विकल्प के बारे में भी हम लोग को आज के बैठक में सोचना चाहिए। किरीबुरु में रोमन कैथोलिक चर्च की ओर से गुड फ्राइडे मनाया गया। चर्च में प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। चर्च परिसर में क्रूस यात्रा निकाली गई। प्रभु यीशु को याद किया गया, उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया गया। फादर ऑस्कर नाग ने कहा कि यह एक पुण्य का समय है जिसे हम सभी क्रूस के माध्यम से याद करते हैं। प्रेम, दया और सहानुभूति के लिए प्रभु ईसा मसीह से प्रार्थना करते हैं। इस मौके पर फादर सुजीत कुजूर, जोसेफ कंडुल्ला, एस होरो, पीटर गोप, सोनाराम गोप, बरनबास क्रिकेटा, ग्रेस किस्पोट्टा सहित अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। क्रूस का रास्ता आज विशेष रूप से पुण्य शुक्रवार हम सभी क्रूस के भाई बहनों के लिए एक पुण्य का समय है जब हम प्रभु क्रिस्त के क्रूस मरण और दुख भाग का यादगार करते हैं। हमारा विश्वास यही है जिस प्रकार मानव पुत्र अपने दुख भोग और क्रूस मरण द्वारा पाप की मुक्ति के लिए अपने आप को कुर्बान किया, और हमारा विश्वास है कि हम इस क्रूस रास्ता के द्वारा हम प्रभु के साथ हम अपना क्रूस ढोते हैं और उनके दुख भोग में सम्मिलित होकर हम अपने पापों से मुक्ति पाते हैं, और ये क्रूस रास्ता के द्वारा हम अपने पापों के लिए प्रायश्चित करते हैं और उनसे मुक्ति पाते हैं। और जब यीशु ख्रीस्त क्रूस पर अपने जान कुर्बान कर देते हैं या हमारे लिए उनका आग अपने प्रेम का साक्षात है, प्रमाण है, और इस प्रेम के कारण ही हम अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करते हैं। और इस पुण्य शुक्रवार के द्वारा हम अपने पापों के लिए प्रस्तुत करते हैं, उनसे क्षमा पाते हैं, और प्रभु की यही हम सभी को निर्देश देते हैं कि हम भी प्रभु यीशु ख्रीस्त के समान दूसरों को बदला के देने से पहले प्रेम और दया, सहानुभूति और परोपकार की और प्रेम का शिक्षा दूसरों के साथ बांटने के लिए यीशु ख्रीस्त आज हम सभी को जीवन प्रकट करते हैं। उसके बाद हम सभी क्रूस का रास्ता होगी, उसके बाद में क्रूस के रास्ते के बाद 12वां-14वां स्थान तक होगा, उसके बाद क्रूस की उपासना होगी और हम सभी पवित्र क्रूस का आराधना कर चुके हम भक्ति भावना से इसकी आगे बढ़ते हैं और या इसकी यादगारी करते हैं उसके दुख भोग और मरण का। जितने पर्व रविवार को है, इसके बाद आने वाला रविवार जिस दिन हम प्रभु यीशु ख्रीस्त के पुनरुत्थान का पर्व मनाते हैं, प्रभु यीशु ख्रीस्त मृतकों से जी उठते हैं और स्वर्ग में आरोहित हो जाते हैं। गुरुवार की रात मौसम में हुए बदलाव के कारण सारंडा के वादियों का नजारा ही बदल गया। किरीबुरु और मेघाहातुबुरु में घना कोहरा छा गया। मौसम में अचानक हुए इस बदलाव से लोगों ने थोड़ी राहत की सांस ली, लेकिन तेज हवाओं के कारण कई घरों के छप्पर उड़ गए। हालांकि कहीं कोई अप्रिय घटना नहीं हुई है। बीमारी समाप्त हो गया, हम न लिखेंगे उसमें जांच करके कारण कि सदर बाजार स्थित बाबा मंदिर में हनुमान जन्मोत्सव मनाया गया। सुबह 9 बजे हनुमान जी की पूजा अर्चना की गई। शाम 4:30 बजे सुंदरकांड का पाठ और प्रसाद का वितरण किया गया। शाम 7 बजे से भजन संध्या का आयोजन किया गया।
जहां भगवान हनुमान केक काटते नजर आए। घंटी दबा रे, घंटी मार रे। ए बाबू इधर। अभी के लिए बस इतना ही। कुछ और खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक न्यूज टाइम्स की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।